फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप सभी लोग जो है ग्रो एप्लीकेशन से आईपीओ में अपना अलॉटमेंट लगा सकते हैं। क्या कुछ करना होता है, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपके पास स्टिल कोई भी डीमेट अकाउंट का लिंक नहीं है तो कुछ बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्लिक करके सीधे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अभी के टाइम पे आईपीओ काफी सारे आ रहे हैं जिनसे काफी अच्छे रिटर्न भी मिलने की उम्मीद है, नॉट श्योर। तो आईपीओ में पैसा लगाने से पहले अपनी सोच समझ के लगाइएगा। मैं केवल यहाँ पे आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ और आप सभी लोग अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो खोल लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर क्या कुछ करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप भी सक्सेसफुली आईपीओ अप्लाई कर देते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आईपीओ में अप्लाई करना है। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली अपना अकाउंट वगैरह बनाने के बाद सिंपली यहाँ पर एक आईपीओ का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। मैंने ऑलरेडी दो आईपीओ को अप्लाई कर रखा है, मैं तीसरा आपके सामने यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। सिंपली ये देखो, ये आईपीओ के सारे साइज वगैरह के बारे में बता रखा है, लॉट वगैरह के बारे में बता रखा है। अभी यहाँ पे दो आईपीओ चल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लोज आईपीओ के बारे में भी जानकारी मिलेगी, अपकमिंग आईपीओ के बारे में भी जानकारी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 100 लॉट का यहाँ पे एक दिखने को मिल रहा है, एक मेरे को यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। तो इसकी कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है कि इससे नीचे पे भी लेना चाहते हो तो, अगर देखो बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं तो कट ऑफ प्राइस से नीचे नहीं जाता है, कभी भी 100 रुपये प्राइस है, 100 से नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपको आईपीओ मिले तो कट ऑफ प्राइस ही अलाउ करिएगा, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपली अब यहाँ पर देखो अपना यूपीआई आईडी जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो, कुछ आईडी आपको मेरी यहाँ पे दिखेगी ब्लर, सिंपली मेरा रिक्वेस्ट चलेगा। अब ये रिक्वेस्ट चलेगा 15,000 रुपये का मेरे यूपीआई नेटवर्क पे, तो उस यूपीआई नेटवर्क पे मेरे को जाना है। 3 बजे मैंने रिक्वेस्ट डाली, 4:10, यानी कभी कभी टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, 1-2 घंटे का टाइम भी यहाँ पर लग सकता है। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए, कंटिन्यू वाले बटन पर मैंने टैप कर दिया, मेरा बैंक अकाउंट दिखा देगा, अप्रूव दिखा देगा, सारी चीज़ें दिखा देगा। बेसिकली क्या होता है कि ये पैसा इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, होल्ड पर चले जाता है, इसीलिए ऑथेंटिकेशन पूरा चीज़ें मांगे जाता है। इसके अलावा मेरा PNB का बैंक है, उससे मेरा यहाँ पैसा डेबिट हो रहा है 15,000 रुपये। सिंपली मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया, मेरा UPI पिन डाल दिया, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट से ये पैसे होल्ड पे चले जाएंगे। अभी मेरे बैंक अकाउंट से भी ये पैसा कटा नहीं है। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाएगा तो ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से कट के इनके पास चले जाएगा, और आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है तो विदिन 7 डेज के अंदर में ये पैसा डायरेक्ट आपके ही बैंक अकाउंट में वापस आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और शेयर्स आपके पास आ जाते हैं तो आपको उसको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में या लॉस में जैसे भी आपको सेल करना है वैसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।